हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्यूटोरियल में हम क्लास टेंथ का साइबर अटैक्स चैप्टर समझेंगे। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई है डेली डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग, इंटरनेट के रिगार्डिंग, कि इंटरनेट पर हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स या फिर इंटरनेट कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो इंटरनेट पर शेयर किया जाता है। जैसे हमने हमारे फ़ोन में लोकेशन इनेबल कर रखी है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारी लोकेशन ट्रैक होती है, या जब भी हम कुछ इंटरनेट पर सर्च करते हैं, कोई शॉपिंग की चीज़ें सर्च करते हैं या हमारी कुछ हैबिट्स के बारे में हमको सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये सारा जो जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर हमें एड्स दिखाए जाते हैं। तो सिंपली और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, या फिर फेसबुक या कई सारी साइट्स हैं जहाँ पर हम अपने पर्सनल चीज़ों को अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर जो डेटा है वो किस तरीके से सिक्योर है कि नहीं है, किस तरीके से स्टोर है, प्रोटेक्ट है कि नहीं है, कोई और उसे देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्राइवेसी का मीन्स क्या हुआ, आपके डेटा को आपकी इजाज़त के बिना कोई और यूज़ ना कर पाए। वो अगर फॉलो हो रहा है तो आपका जो डेटा है उसे प्राइवेसी है, वो प्रोटेक्टेड है। ओके, तो हम जो है हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं कि हम ऑनलाइन कोई भी ऐसा अकाउंट अगर बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि सिंपल सा पासवर्ड रख दिया अपनी बर्थ डेट के रिगार्डिंग या आपका जो पर्सनल कोई फूड है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कोई गैस ही ना कर पाए, जैसे आपने अपने फ़ोन नंबर के स्टार्टिंग कोई डेट रख दिए कुछ इस तरीके से, और जैसे कुछ भी रैंडमली कुछ कैरेक्टर्स रख दिए, स्पेशल कैरेक्टर्स रख दिए, तो ये इस तरीके से पासवर्ड होना चाहिए। और सर्च इंजन और जो ब्राउज़र है वो सिक्योर होना चाहिए, उसे चेक करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है हम ऐसी साइट्स पर जा रहे हैं। ओके, तो एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए आपके जो सिस्टम है उसमें। और एक चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए कि हम कौन से लिंक्स पर क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी सारे लिंक्स ऐसे होते हैं जिस पर हम क्लिक कर देते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है अपलोड हो जाती है, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है हमारे सिस्टम में जो कि हमारी जो डेटा है हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे फ़ोन के अंदर उसे दूसरे किसी हैकर को सेंड कर देता है। तो उन लिंक्स को हमें देखना चाहिए खासतौर पर। ओके, तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें कभी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। ओके, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मीन्स जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा अक्सर होता है कि लोग शेयर करते हैं, पर एक तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन हो या ऐसी कोई चीज़ कि जो आपकी डेटा को मिसयूज ना कर पाए। ओके, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, रियल डे टू डे लाइफ में हमें फ्रॉड पता है। ओके, तो लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन। तो इंटरनेट को यूज़ करके जब फ्रॉड किया जाए, ठीक है, अब तो उसे हम बोलेंगे ऑनलाइन फ्रॉड। जैसे आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपसे जो है पैसा जो है वो आपसे लिया जा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। जैसे आप किसी शॉपिंग साइट पर गए, आपको लगा कि ये साइट अच्छी है, आपने जो है कुछ परचेज़ कर लिया, पैसे पे कर दिए, लेकिन जब आप वेट कर रहे हैं अब वो चीज़ आपके घर पर डिलीवर हुई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये अवेलेबल है, तो लेकिन हम उसके लिए कुछ ज़्यादा कदम उठा भी नहीं सकते। साइबर सेल में हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगता है कि कब तक जो है उसको सॉल्व किया जाएगा उस केस को, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं करते कंप्लेन, ये होता है। नेक्स्ट जो है फ्रॉडुलेंट पॉपअप विंडो। तो फ्रॉडुलेंट पॉपअप विंडो का मतलब क्या है, पॉपअप्स का मीन्स क्या होता है, पहली चीज़ तो ये पॉपअप मीन्स जब हम किसी भी साइट पर क्लिक करते हैं तो या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक टैब नहीं खुलता, कई सारे टैब्स खुल जाते हैं। तो एक टैब तो वो होता है जिसे ओपन होना चाहिए था, लेकिन कुछ टैब्स ऐसे होते हैं जो गलती से नहीं, मतलब कि ऐड होता है उन टैब्स के अंदर जो
एडिशनली ओपन हो गए हैं, तो उनको बोलते हैं हम पॉपअप। तो वो पॉपअप जो होते हैं वो ऐड ही होते हैं। तो कुछ पॉपअप्स तो ऐसे ऐड होते हैं जिनसे हमें कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ पॉपअप्स जो होते हैं वो हमारे लिए जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो हमसे ये बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस है और इस वायरस को हटाने के लिए यहाँ पे कॉल करो, या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, या हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए ये करो। फ़ोन में तो मैंने अक्सर ये कई बार देखा है। तो ऐसा होता भी है कि जैसे मान लो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे लगा कि हाँ वाकई में मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वो उस नंबर पर कॉल करता है, और कॉल करने पर वो उठाता है और वो इस प्रोफेशनली इस तरीके से बात करता है जैसे सामने वाला जो है वो बिल्कुल ही उसे एहसास ही नहीं होता कि ये कोई फ्रॉड है। और जैसे कॉल किया किसी किसी पर्सन ने कॉल किया कि हाँ मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, और वो ये बोलेगा ठीक है अगर आपको दूर करना है तो आपको ठीक है, आधा एक घंटे का वो समय लेगा और आपसे बोलेगा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, और आपको मतलब ओवरऑल घुमाएगा और एक घंटे बाद बोल देगा कि हाँ ये सही है और आपको इतना पे करना है, या फिर पहले ही पेमेंट के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसे कई सारी टेक्निक्स हैं, मैं तो सिर्फ ये आइडिया दे सकता हूँ आपको, ठीक है। हमें ये खुद समझना होगा कि हाँ भाई कि ये ऐसा वाकई में ये है या नहीं है। नेक्स्ट जो है वो फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है कि हमें कोई लिंक दे दिया या कोई ईमेल दे दिया, ठीक है, या कोई ऐप हमसे डाउनलोड करवा दी फ़ोन में, तो उसके ज़रिए हमारा जो पासवर्ड हो या हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हमसे ले लेते हैं। ऐसा होता भी है, ओके। जैसे हमने किसी को कोई ईमेल आया, उससे ये बोला गया कि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो सिक्योर नहीं है, उसे सिक्योर करने के लिए आप हमारी टीम को अपना ईमेल जो नाम है वो भेजो और पासवर्ड भेजो, हम देखेंगे। तो जो जिनको नॉलेज है वो तो उन्हें पता ही कि हाँ ये कुछ नहीं है, ये एक फ्रॉड है, ये फिशिंग है। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती, जो न्यू होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें वाकई में डर लग जाता है कि हाँ वाकई में कुछ प्रॉब्लम है, और वो क्या है अपना डिटेल्स को शेयर कर देते हैं। तो फिशिंग का मतलब क्या है, हमें कुछ ऐसा लिंक ईमेल या ऐप देते हैं जिससे हमें भरोसा हो जाता है कि ये हमारे काम का है, बट वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, क्रिप्टोग्राफी मीन्स पहली बात तो जो क्रिप्टोग्राफी है वो एक टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए हम जो डेटा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, हम कोई भी चीज़ हमने सर्च करी या फिर हमने पेमेंट करा, तो हमारा जो डेटा है वो हमारे सिस्टम से होते हुए जिसको भी हम पे कर रहे हैं उसके सर्वर तक जाएगा। तो जो डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, वो कौन से फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए जो डेटा होता है उसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अगर बीच में अगर कोई हैकर हमारे डेटा को ट्रेस कर रहा हो तो वो उसे समझ ही ना पाए। क्लियर। कि अब मान लो हमने पे किया तो हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जाएंगी, पासवर्ड जाएगा, है ना, जो हम फॉर्म में पे करते हैं, तो अगर कोई हैकर है तो वो हमारे डेटा को रीड कर लेगा। लेकिन अगर क्रिप्टोग्राफी है तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है, जैसे बैंक्स और इन सब की साइट्स पे या अदर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर होता है, जैसे कई आपने देखा होगा 256-bit एनक्रिप्शन, ओके, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो उसके ज़रिए डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, अगर वहाँ पर कोई उसे देखेगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। क्लियर। और उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब वापस उसी फॉर्म में लाने के लिए जिसमें वो ओरिजिनली था, जो हमने एंटर किया था, उसके लिए एक एनक्रिप्शन की होती है जो कि हैकर को नहीं मिलती, वो सिर्फ उन यूज़र जो सर्वर के पास ही होती है, तो वो इजीली डिक्रिप्ट कर लेते हैं डेटा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है ई कॉमर्स सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो अभी हमने एक पार्ट पढ़ा ही क्रिप्टोग्राफी, कि किस तरीके से ऑनलाइन हम कुछ भी डेटा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरीके से कन्वर्ट कर दी जाती है। क्लियर। तो अब ये और अच्छे से देखते हैं हम कि ई कॉमर्स पर, मतलब ऑनलाइन जैसे साइट्स हो गई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन साइट्स पर किस तरीके से डेटा को सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, जैसे अमेज़ॉन पे किसी का अकाउंट है तो वहाँ पे वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स को सेव करके रखते हैं ताकि बार बार उन्हें एंटर ना करना पड़े। क्लियर। तो किस तरीके से होता है ये, तो ई कॉमर्स सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। ओके,
ताकि जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं वो सेफ रहें। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मीन्स जब हम पे करते हैं तो उसे ट्रांजेक्शन ही बोला जाता है। तो पहली चीज़ मल्टी लेयर सिक्योरिटी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी मीन्स जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वो जो है उनके वेबसाइट पर जो एप्लीकेशंस हैं जैसे फॉर्म्स हैं, सर्च टूल्स हैं या लॉगिन करने वाले फील्ड्स हैं, वो जो हैं उन पर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो भी सिक्योर होने चाहिए। क्लियर? सिंपल यही नहीं कि उनके वेबसाइट ही सिक्योर है, उनके वेबसाइट के अंदर जो अलग से जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं वो भी सिक्योर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो पीसीआई कंप्लेंट। पीसीआई कंप्लाइंट मीन्स पीसीआई का मतलब है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। ओके, तो कोई भी जो होस्ट प्रोवाइडर है, होस्ट प्रोवाइडर मीन्स जहाँ से हम कुछ परचेज कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो जो होस्ट प्रोवाइडर है वो पीसीआई कंप्लाइंट होना चाहिए, पीसीआई के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। तो पीसीआई क्या है असल में? तो पीसीआई जो है वो डेटा सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है, मतलब एक स्टैंडर्ड है जो जिसके थ्रू जो डेटा को सिक्योर रखा जाता है कि हाँ भाई ये जो रूल्स है ये फॉलो होगा तभी डेटा सिक्योर है। ओके, डेटा मीन्स जो हमारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, किस तरीके से स्टोर करी जा रही हैं, ओके, किस तरीके से ट्रांसमिट करी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन। तो पीसीआई क्लियर हो गया आपको? पीसीआई क्या है? वो एक स्टैंडर्ड है। तो पीसीआई स्कैन्स एंड अपडेट्स ये क्या है? तो जो होस्ट हैं उन्हें अब की जो वेबसाइट है उन्हें स्कैन करते रहना चाहिए कि कहीं से कोई जो है थ्रेट तो नहीं है। ओके, तो रेगुलरली स्कैन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ फॉलो होनी चाहिए वो है सीवीवी। हमारे जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उनमें जो है होता है सीवीवी होता है लास्ट में, जब हम डेबिट कार्ड की डिटेल्स बेशक हम सेव करके रखते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर, बट वहाँ पे जब भी हमें ट्रांजेक्शन करना होता है तो हमें सीवीवी डालना पड़ता है। तो सीवीवी फॉलो होना चाहिए। अगर सीवीवी नहीं होगा तो मान लो किसी ने आपका डेटा हैक भी कर लिया है, ओके, तो भी वो इजीली क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है या आपको फ्रॉड कर सकता है। क्लियर? लेकिन अगर सीवीवी होगा तो वो नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये आपको पता ही है कि पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक चीज़ और, एसएसएल सर्टिफिकेट्स। एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं कि कोई भी जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है, सिक्योर है या नहीं, कहीं वो वेबसाइट फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो इसके लिए हर वेबसाइट को एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो वो हमें चेक करना चाहिए। क्लियर? तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप जैसे किसी भी वेबसाइट पर गए जहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन करनी है कुछ, या फिर नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट पर गए, अगर उसके स्टार्टिंग में HTTPS लिखा हुआ है तो समझ लो कि उस वेबसाइट के पास एसएसएल सर्टिफिकेट है, वो अच्छी वेबसाइट है और फेक वेबसाइट नहीं है वो। क्लियर? लेकिन अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, HTTP लिखा हुआ है बस, तो वो वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं नेटिकेट्स की। नेटिकेट्स मीन्स रियल, जो अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर हम बच्चों को एटिकेट सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें किसके आगे कैसे बिहेव करना चाहिए। ओके, लेकिन इंटरनेट पर भी जो है उसके लिए भी कुछ एटिकेट्स हैं जो अगर हम मिला दें इन वर्ड्स को तो बन जाते हैं नेटिकेट। ओके, नेटिकेट मीन्स इंटरनेट एटिकेट्स। तो इसका मतलब क्या है? कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए इंटरनेट पर वर्क करने के लिए। जैसे हमें ऑनलाइन कभी भी ऑफेंसिव या गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए या गलत कुछ ऐसे पोस्ट नहीं करने चाहिए जो कि अक्सर होता ही है। क्लियर? कि किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे दूसरे की भावनाएं जो हैं वो भड़क रही हैं, तो इस तरीके के पोस्ट नहीं करने चाहिए। किसी दूसरे पर्सन की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मान लो सपोज कि आपको किसी का पासवर्ड पता चल गया है या किसी की आईडी आपके फ़ोन में खुली रह गई है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको मिसयूज़ करो, कुछ ऐसे लिख दो उसकी आईडी में, या इस तरीके का नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को बहुत सारे ईमेल्स नहीं भेजने चाहिए, ठीक है? तो जब हम किसी को बहुत सारे ईमेल्स भेज देते हैं, ओके, तो वो कहलाता है स्पैम। या तो वो काम क्यों, या फिर अगर एक ही चीज़ के रिगार्डिंग हम किसी को बहुत सारे ईमेल्स किए जा रहे हैं या मार्केटिंग के ईमेल्स करे जा रहे हैं तो वो स्पैम कहलाता है, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। क्लियर?
को भी गलत लैंग्वेज गाली गलौज नहीं करनी चाहिए इंटरनेट पर। तो नेगेटिव, और एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि नेगेटिव कमेंट्स जो हैं उनको जो है हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए। किसी ने हमें मान लो कोई नेगेटिव कमेंट दिया है तो उसका रिप्लाई मत करो, क्लियर? क्योंकि हम उसका रिप्लाई करेंगे तो उस सामने वाले का फिर से रिप्लाई आएगा, तो वो जो बहस है वो चलती जाएगी, जिससे टाइम वेस्ट होगा लेकिन एंड में कुछ भी नहीं मिलता, क्लियर? तो कभी भी नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। जबकि अगर किसी ने नेगेटिव रिप्लाई किया है तो हमें नेगेटिव रिप्लाई के बजाय एक पॉजिटिव बात बोलनी चाहिए, जिससे सामने वाला भी जो है वो चेंज होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है वापस और फिर बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, तो हमें फिर सिंपली इग्नोर करना चाहिए। अगर इंटरनेट पर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे और आपको उसका आंसर पता है तो हमें उसका आंसर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और इंटरनेट पर हमें सभी को थैंक्स बोलना चाहिए अगर किसी ने हमारी हेल्प करी है तो, क्लियर? जैसे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए वो रूल्स होते हैं, ऐसे ही इंटरनेट के भी ये रूल्स थे कुछ। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले? तो प्रॉपर्टी का मीन्स हमें पता है कि हमारे पास ये गाड़ी है, ये ज़मीन है, ये कहलाती है प्रॉपर्टी। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे दिमाग से बनी है, ठीक है? जैसे कोई इन्वेंशन हो गया, या कोई किसी ने कोई सॉन्ग बनाया है, या किताब लिखी है, कुछ डिज़ाइन किया है, कुछ पेंटिंग बनाई है, तो वो कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है वो पर्सन जिसे किसी भी चीज़ की गहराई में जाना पसंद है, तभी तो वो बुक लिख पाता है, तभी तो वो म्यूज़िक कर पाता है, तभी तो वो पेंटिंग बना पाता है जिसका एक डीप मीनिंग होता है, क्लियर? तो कितने तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? वैसे तो कई सारी दी जाएंगी पर जो ज़्यादातर है वो आपकी ये तीन ही है। ओके, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ये तीन सबसे ज़्यादा मेन है। ओके, तो पहला जो है वो है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क मीन्स ये कैसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई? ट्रेडमार्क मीन्स कि कोई ऐसा सिंबल, लोगो, या कोई ऐसा वर्ड, ओके, या कंपनी का नाम जो क्या है हमने रजिस्टर कर रखा है, ओके, हमारी, तो वो कहलाएगा हमारा ट्रेडमार्क, जिसे कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता अपने कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। ओके, कॉमर्शियल पर्पस मीन्स उससे पैसा कमाने के लिए। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स आपको अक्सर आपने सुना भी होगा, जैसे आपने कोई बुक लिखी है, कोई म्यूज़िक बनाया, पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, कोई फिल्म है, या कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम है, डेटाबेस एडवर्टाइजमेंट, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं अगर आपने इसका कॉपीराइट ले रखा है तो आपकी इजाज़त के बिना कोई भी इनको कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पेटेंट। पेटेंट ऐसी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर दिया जाता है जिसका जो, जैसे मान लो आपने कोई ऐसा इन्वेंट करा है, ठीक है, कुछ इन्वेंशन करा है, तो उस इन्वेंशन के ऊपर आपका अधिकार होता है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, और ज़्यादातर जो है वो 20 साल के लिए होता है, कि 20 साल तक कोई भी जो पर्सन है वो इस इन्वेंशन को नहीं बना सकता, इस चीज़ को नहीं बना सकता, सिर्फ आप ही बना सकते हो। ओके, कोई ऐसी कोई मशीन बना दी आपने जो पहले से अवेलेबल नहीं है और उसमें बिल्कुल न्यू टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कल को कोई कार बना दी ऐसी, ओके, जो कम माइलेज देती है, इस चीज़ की नहीं, बिल्कुल न्यू इन्वेंशन, तो उस पर आपको पेटेंट दिया जाएगा। प्लेगेरिज्म, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ बनाई है तो हमारे उस पर कैसे कैसे अधिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेगेरिज्म की। प्लेगेरिज्म का मतलब क्या होता है? प्लेगेरिज्म का मतलब होता है मान लो किसी ने कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है किसी भी टाइप की, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो कॉपी कर लें, जैसे कोई बुक लिखी है तो हम उसकी बुक कॉपी कर लें, ओके, या उसके आइडियाज़ को कॉपी कर लें और उसे क्रेडिट भी ना दें, तो वो कहलाता है प्लेगेरिज्म। ओके, कुछ लोग इसे प्लेजेरिज्म भी बोल सकते हैं। तो प्लेगेरिज्म जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड से आया है। तो प्लेगेरिज्म का जो लैटिन लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो होता है किडनैपिंग, क्लियर? तो प्लेगेरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं? तो पहली चीज़, हमारा जो सोर्स है उसे साइट करना चाहिए। साइट करने का मतलब क्या है?
जैसे आपने कुछ लिख रहे हो आप, और वहाँ पर आपने जो है किसी दूसरे पब्लिशर का या किसी दूसरा जो ऑथर है, दूसरा राइटर है, उसके आइडिया को कुछ लिखा है आपने, तो आप वहाँ पर बताओ कि ये जो आइडिया है वो उस पर्सन का है, मेरा नहीं है। ओके, जो भी चीज़ आप दे रहे हो, उस जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो उसका सोर्स बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। क्लियर? अगर आपका ही वो पर्टिकुलर आइडिया है तो वहाँ पर साइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कोटेशन। अब सपोज कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हो, ओके, तो कुछ उस लिखते समय आपने किसी दूसरे ऑथर के या दूसरे राइटर के कुछ वर्ड्स को यूज़ कर दिया, कुछ लाइंस को यूज़ कर दिया, तो जब आप ऐसा करो तो वहाँ पर जो है उन लाइंस के दोनों तरफ कोट्स होने चाहिए। कोटेशंस मीन्स, तो क्लियर है, दो दो कोट्स होने चाहिए, जैसे इफ के पहले कोट्स और या राइटिंग के बाद कोट्स। क्लियर? तो कोटेशन यूज करने चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि ये जो है ये करंट ऑथर के नहीं है, ये इसने किसी दूसरे से लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मीन्स, मान लो किसी और का आइडिया है, तो उस आइडिया को फिर से हम लिखना चाहते हैं, कुछ और बेहतर करके लिखना चाहते हैं, अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, जिससे कि उसका ओरिजिनल मीनिंग ना बदले लेकिन वो और बेहतर हो जाए, तो पैराफ्रेजिंग इसको कहा जाता है। लेकिन कभी कभी जो है वो पैराफ्रेजिंग जो है वो प्लेगरिज्म में बदल जाती है। कैसे? तो इसको बस ध्यान रखना चाहिए कि पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म में ना बदले। कैसे कर सकते हैं हम? तो सिंपल, जो ओरिजिनल आइडिया है उसका जो एक लाइन में, ओके, हम जो लिख रहे हैं उसके एक लाइन में ओरिजिनल आइडिया के ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन वर्ड्स होने चाहिए। बिल्कुल अगर हमने एग्जैक्ट लिख डाला है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल कॉपी कहलाएगा। जैसे हम स्कूल में किसी की कॉपी कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो पता चल जाएगा कि प्लेगरिज्म किया है, मतलब कॉपी किया है। लेकिन अगर हम बीच बीच में कुछ चेंजेस कर दें, ओके, तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाएगा। क्लियर? तो कितने तरीके के जो है वो प्लेगरिज्म होते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस किस तरीके से प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। क्लियर? और मेनली आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म कितने तरीके के हैं? पहला प्लेगरिज्म हो गया, वो हो गया कॉल्यूजन। तो कॉल्यूजन का मतलब होता है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसने कोई काम किया है, ओके, सिंपली एक फाइल बनाई है, और वो दूसरे स्टूडेंट को अलाउ कर दे कि भाई ठीक है तू मेरी फाइल को कॉपी कर ले, ठीक है, और दोनों स्टूडेंट जो हैं अपना जो वर्क है उसे सबमिट कर दे, तो वो जो प्लेगरिज्म होगा वो कहलाएगा कोल्यूशन। क्लियर? कंप्लीट प्लेगरिज्म, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का, ओके, या दो तीन पर्सन के काम को जो है वो कॉपी कर ले, ठीक है, तो वो कहलाएगा कंप्लीट प्लेगरिज्म। ओके, पार्शियल प्लेगरिज्म मींस, जब हम किसी दूसरे पर्सन का वर्क, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत पार्ट कॉपी करें या दो तीन लोगों के काम को कॉपी करें, तो वो कहलाएगा पार्शियल प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म मींस, मान लो हमने कोई ऐसी बुक लिखी है, ओके, हम दोबारा से हमारी पुरानी ही बुक के डेटा को रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी कहलाएगा सेल्फ प्लेगरिज्म। मतलब हमने खुद के ही डेटा को जो है वो कॉपी किया है, जो कि गलत है, क्योंकि जब आप न्यू बुक लिख रहे हो, न्यू कहानी लिख रहे हो, न्यू मूवी बना रहे हो, तो उसमें अलग डेटा होना चाहिए, अलग चीज़ें होनी चाहिए, एक ही चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट की। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब क्या होता है? तो कोई भी जो हमने प्रोग्राम लिखा है, कोई कोड लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को कुछ ना कुछ लाइसेंस दिया जाता है, ओके, जिसके अकॉर्डिंग वो जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है। तो सिंपली सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या करता है? सॉफ्टवेयर बनाने वाले पब्लिशर को जो है उस सॉफ्टवेयर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अधिकार देता है। क्लियर? तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लाइसेंसेस और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है फ्री सॉफ्टवेयर। तो फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1983 में
आइडिया दिया था इसका, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और इसी के अंतर्गत इन्होंने जीएनयू प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो जीएनयू प्रोजेक्ट क्या है? तो जीएनयू जो प्रोजेक्ट जो था वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसके यूजर्स को उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना या उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव करना और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को वापस बेचना या किसी को भी जो है शेयर करना अलाउ हो। जैसे हम अगर बात करें जो विंडोज 10 की बात करें तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसका जो सोर्स कोड है हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते और बदलाव करके किसी को सेल नहीं कर सकते। ओके, तो जीएनयू प्रोजेक्ट उस समय बनाया कि कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने वो जो हो जीएनयू प्रोजेक्ट के अंडर आए। क्लियर हो गई ये चीज़? तो इसी के लिए इन्होंने 1985 में एफएसएफ जो है उसे फाउंड किया, उसे स्थापना करी। एफएसएफ का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो एफएसएफ के अकॉर्डिंग एक फ्री सॉफ्टवेयर वही है जिस सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम कर रहा है और वो हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस कर रहा है। ओके, तो वो एक फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। उसका जो सोर्स कोड है उस सॉफ्टवेयर का वो हम एक्सेस कर सकें, वो अवेलेबल हो, उस सॉफ्टवेयर को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्लियर? उस सॉफ्टवेयर में बदलाव करके मॉडिफाई करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिस सॉफ्टवेयर में है, ओके, वो सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर कहला सकता है। विंडोज 10 इन सब की अगर हम बात करें तो वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, उन्हें परचेज करना पड़ता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि विंडोज 10 विंडोज जो है वो इंटरनेट पर इजीली डाउनलोड हो जाती हैं। बट बिल गेट्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है विंडोज को डाउनलोड करना। क्यों? क्योंकि विंडोज जो है वो बहुत महंगा आता है, जैसे 5 से ओरिजिनल सीडी की अगर हम बात करें वो 5 से 6 हज़ार तक की आ सकती है। ओके, तो विंडोज क्यों अलाउ करता है? ऐसे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है? नहीं, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, तो अगर वो फ्रीली अवेलेबल होगा तो लोग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, उनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। लेकिन विंडोज़ जो है वो फ्रीली अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन विंडोज़ इंडिविजुअल लोगों को विंडोज़ को फ्रीली यूज़ करने से नहीं रोकता। अगर आपकी कोई कंपनी है, ओके, तो वहाँ पे मान लो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं और आप कॉपी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है। इंडिविजुअल्स को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट परेशान नहीं करता, क्योंकि आप अगर मान लो विंडोज़ चलाना सीख गए तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है आप विंडोज़ की ही डिमांड करेंगे। क्लियर? तो ऐसे में उस कंपनी को विंडोज़ के ही ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करना पड़ेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या इनकी मार्केटिंग की टेक्निक है। ये 1998 में नेटस्केप एक कंपनी है, उसका एक ब्राउज़र था, जैसे गूगल क्रोम या मोजिला हम यूज़ करते हैं वैसी नेटस्केप कंपनी का एक ब्राउज़र था कम्युनिकेटर। तो उसने कम्युनिकेटर जो ब्राउज़र था उसका जो सोर्स कोड था, ओके, उस कोड को जो है वो पब्लिक कर दिया, जिसको यूज़ करके आज जो हम मोजिला यूज़ करते हैं फायरफॉक्स, तो उस समय मोजिला फायरफॉक्स 1.0 वर्जन बनाया गया उसी के कोड को यूज़ करके। क्लियर? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर तो आप समझ गए, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीन्स कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ऐसे लाइसेंस के अंडर रिलीज किया गया है जिसमें जो उसका कॉपीराइट होल्डर है, मतलब जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो यूजर्स को, मतलब हम यूजर्स को उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड स्टडी करने की इजाज़त दे, उस सोर्स कोड में चेंज करने की इजाज़त दे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त दे। तो ऐसा सॉफ्टवेयर, ओके, जिसको ये लाइसेंस मिला हुआ है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स के अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो काफ़ी सारे वर्जन्स हैं जिसमें उबुंटू जो है वो
काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस मीन्स जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाया हमने, तो वो सॉफ्टवेयर के लिए हमने ऐसे कौन कौन सी गाइडलाइंस बनाई है उस सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या यूज़ करने के लिए, ठीक है, जिसे यूज़र को फॉलो करना है। तो वो अलग अलग तरीके की लाइसेंस होते हैं जैसे हम पढ़ेंगे। तो पहला है GNU GPL। GNU की फुल फॉर्म है GNU नॉट यूनिक्स। अब GNU की फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स, ये कैसी फुल फॉर्म है? इसका मतलब है ये फुल फॉर्म एक रिकर्सिव फुल फॉर्म है। रिकर्सिव का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है। अगर आप क्लास 12th में कंप्यूटर लेंगे, मतलब क्लास 11th में लेंगे, तो क्लास 12th में जाके आप ये पढ़ेंगे कि रिकर्जन क्या होता है। ओके, तो यूनिक्स क्या है इसमें? यूनिक्स उस समय एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पेड था। GNU GPL लाइसेंस उस सॉफ्टवेयर को दिया जाता है जो ये गारंटी करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है वो उसे कहीं भी यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है, इस सॉफ्टवेयर को कभी कैसे भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। ओके, तो ये जो लाइसेंस है वो ओरिजिनली रिचर्ड स्टॉलमैन ने लिखा था। नेक्स्ट जो लाइसेंस है वो है LGPL, यानी कि लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ये जो लाइसेंस है वो भी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जैसे कि मैंने बताया था साइबर एथिक्स के में ट्यूटोरियल में, कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है वो रिचर्ड स्टॉलमैन ने जो है वो फाउंड किया था। तो ये जो लाइसेंस है, इस लाइसेंस के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डेवलपर्स यानी कि कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, या फिर ये रूल्स डेवलपर्स को या कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किस तरीके से खुद के प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर मतलब कि ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं होता, फ्री नहीं होता। ओके, ये ओपन सोर्स और ये सारी चीज़ें मैंने साइबर एथिक्स ट्यूटोरियल में कवर करी हुई हैं, जाके देख सकते हो आप। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है BSD लाइसेंस। BSD मीन्स बर्कले सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये BSD लाइसेंस जो है वो एक लो रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि वो ये BSD लाइसेंस ले सके। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है और उसे BSD लाइसेंस मिला हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा? मान लो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिया जो BSD लाइसेंस का है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, बट ओरिजिनल जो वो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर जो कॉपीराइट स्टेटमेंट था वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइसेंस के अंदर। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो है वो लाइसेंसेस को एक्सप्लेन करा गया है। एक लाइसेंस को डिटेल में पढ़ा नहीं सकते क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्लियर? सिर्फ बच्चों को यहाँ पे एक आइडिया दिया गया है, इंट्रोड्यूस करा गया है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था कि ये रेस्ट्रिक्शन होती है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती BSD लाइसेंस के जिस सॉफ्टवेयर को मिला हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं MIT लाइसेंस। MIT लाइसेंस मीन्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस। ये एक फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। तो MIT लाइसेंस के अकॉर्डिंग कोई भी जो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जो न्यू सॉफ्टवेयर है उसको भी MIT लाइसेंस ही दिया जाना है। ओके, और भी कई सारे क्लॉजेज हैं, और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इतना जानना ही इनफ है। अपाची लाइसेंस, ये परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, मतलब कुछ ऐसी परमिशंस दी जाती हैं इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो लाइसेंस है वो अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ये जो है अलाउ करती है यूज़र को अपाची लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करना या डिस्ट्रीब्यूट करना या मॉडिफाई करना। बट अगर हमने मॉडिफाई करके इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए गए हैं न्यू सॉफ्टवेयर के कोड में। ओके, ओरिजिनल कोड को लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोप्राइटरी लाइसेंस। तो ये जो लाइसेंस है वो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है। ये लाइसेंस ऐसे सॉफ्टवेयर्स को मिलता है
जिनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, जिनके यूज़ पर जो होता है कॉपीराइट होता है, और उनको दोबारा से कॉमर्शियली पैसों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी सारी लिमिट्स जो हैं वो ऐसे लाइसेंस यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर में होती हैं जो सिर्फ ओरिजिनल डेवलपर या पब्लिशर है वो ही यूज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। तो कॉपीलेफ्ट जो लाइसेंस है वो यूज़र को कोई भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना या डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ करता है, बट जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का लाइसेंस था वही जो लाइसेंस न्यू सॉफ्टवेयर में भी होना चाहिए। जैसे आपने कोई BSD लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर लिया और उसके वो कॉपीलेफ्ट लाइसेंस भी है, तो अगर आपने कुछ मॉडिफाई करा है उस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में, तो न्यू सॉफ्टवेयर को जो लाइसेंस मिलेगा वो BSD वाला ही मिलेगा और साथ में कॉपी लेफ्ट भी जाएगा। क्लियर? डिजिटल डिवाइस मीन्स ICT। ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो ICT टेक्नोलॉजी में इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट की सर्विस लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, किन लोगों का नहीं है, ओके, या इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन से लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे डिजिटल डिवाइड, कि आधे लोग यूज़ कर सकते हैं, आधे लोगों को नहीं आता या उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, इसको बोलेंगे हम डिजिटल डिवाइड। तो इंटरनेट एक कैसी फैसिलिटी है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ICT टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। तो डिजिटल डिवाइड के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहला कि टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे गांव में टावर्स नहीं लगे हुए हैं, वहां पर कंपनीज नहीं है जो प्रोवाइड करे लोगों को इंटरनेट सर्विस। दूसरा एक चैलेंज ये है कि लोगों को यूज़ करना नहीं आता, जैसे कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता या स्मार्टफोन्स यूज़ करना नहीं आता। तीसरा जो एक चैलेंज है वो ये है कि लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है इंटरनेट पर सारा वक्त। लेकिन इस समय की जो गवर्नमेंट है, यानी कि अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें, तो इन्होंने जो है वो इंटरनेट पर जो उनकी सर्विसेज हैं उन्हें हिंदी में भी प्रोवाइड करा है, ताकि इस चैलेंज को टैकल किया जा सके। और बाकी अदर काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं वो चलाए गए हैं कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए। तो डिजिटल डिवाइड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 ईयर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट है उसे पास किया था, जिस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको फॉलो करके आज के टाइम में, यानी कि आज 20 साल बाद, ई कॉमर्स और या फिर ई गवर्नेंस जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। आपको पता है हम ज़्यादातर काम ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस मीन्स कि गवर्नमेंट जो अपनी कुछ सुविधाएं हैं वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, या फिर साइबर सेल में कंप्लेन करना हो गया, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की हम कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के कुछ जो भी आइडियाज़ या जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम इंटरनेट से ले सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू हम गवर्नमेंट से सवाल भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये काम हुआ है, कितना हुआ है, या इस ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। ओके, जैसे RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई भी जो पर्सन है वो RTI दाखिल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 रुपये का कुछ चार्ज लगता है। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड बाकी अदर ट्यूटोरियल्स भी हो गए क्लास 10th के, वो उन सब के लिंक आपको इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आप अगर टॉपर जी चैनल पर न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब करिए, इसके ट्यूटोरियल्स चेकआउट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।